सजदा तेरा कर ना सकूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गाइज आप इस टाइप की 4K स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, इस टाइप के वीडियो यूट्यूब पर गाइज यूट्यूब शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो गाइज, अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है एलाइट मोशन। अगर ये आपके पास नहीं है, मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको भी इसको ओपन कर लेना है। तो गाइज, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइज, नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का। तो गाइज, आपको सिंपली प्लस पर टैप कर लेना है। एंड गाइज, आपको प्लस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर चले जाना है। एंड गाइज, आपको इसकी रिजोल्यूशन को गाइज 1080 कर लेना है। एंड गाइज, इसको 2340 कर लेना है। एंड गाइज, इसके फ्रेम रेट को आपको 30 FPS पर रख लेना है। एंड गाइज, बैकग्राउंड उसका ब्लैक आपको रख लेना है। गाइज, अब आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा होगा क्रिएट प्रोजेक्ट का। तो गाइज, आपको सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, अब आपको करना क्या होगा, सिंपली प्लस पर टैप करना है। एंड गाइज, आपको इसमें इमेज ऐड कर देना है। सो गाइज, मैं इसमें इमेज ऐड कर देता हूँ। गाइज, मैं आप इसमें 3 या 4 गाइज इसमें इमेज ऐड कर देता हूँ। एंड सो गाइज, मैं और फोटो ऐड कर देता हूँ इसमें। सो गाइज, मैंने इसमें 3 फोटो ऐड कर लिए हैं। सो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, सिंपली फोटो पर क्लिक कर लेना है। सिंपली गाइज, आपको ऊपर 3 डॉट का साइन मिलेगा। तो गाइज, आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल स्क्रीन का। तो गाइज, आपको फिल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, आपको सभी फोटो में गाइज कुछ इस तरह से ही फिल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको फिर से फोटो पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मूव ट्रांसफॉर्म का। तो गाइज, आपको सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको कुछ इस तरह से इस फोटो को जूम कर लेना है। अब जूम करने के बाद गाइज, आपको सभी फोटो में गाइज कुछ इस तरह से ही जूम कर देना है। हल्का हल्का आपको जूम कर लेना है। सो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको फोटो पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइज, ये इस पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली गाइज इस पर सेलेक्ट होगा। सो गाइज, अब आपको सिंपली करना क्या होगा, सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको फोटो को कुछ इस तरह से लेफ्ट की साइड आपको इस फोटो को लाना है, इधर की साइड आपको फोटो को लाना है। एंड गाइज, आपको कुछ इस तरह से इस फोटो की लेयर को आपको आगे बढ़ा लेना है। एंड गाइज, आगे बढ़ाने के बाद आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, अब आप इस फोटो को आपको राइट की साइड आपको इस फोटो को ले लेना है। अब गाइज, आपको इस लेयर फोटो की लेयर को आपको एंड तक कर लेना है। एंड गाइज, आपको फिर से प्लस पर टैप करना है। एंड गाइज, अब आपको फिर से इस फोटो की गाइज कुछ इस तरह से इस फोटो की लेयर को आपको एंड तक कर लेना है, कुछ राइट की साइड आपको इस तरह से कर लेना है। तो मैंने कर लिया है गाइज, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से बना है, तो ये देख सकते हैं गाइज, ये कुछ इस तरह से बना है, ये देख सकते हैं गाइज। सो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, सिंपली फिर से आपको सेकंड फोटो पर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, आपको फिर से मूव्स ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको फिर से प्लस पर टैप करना है। एंड गाइज, अब आपको इस फोटो को गाइज कुछ लेफ्ट की साइड आपको इस फोटो को कुछ इस तरह से लेफ्ट की साइड कर लेना है। एंड गाइज, आपको इस फोटो की लेयर को कुछ आगे तक बढ़ा लेना है। एंड गाइज, आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज, आपको इस फोटो की लेयर को गाइज राइट साइड तक कर लेना है, कुछ राइट की साइड आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। एंड गाइज, अब आपको फिर से इस फोटो की लेयर एंड में आना है। एंड में आने के बाद अब आपको फुल फिर से गाइज आपको कुछ इस तरह से लेफ्ट की साइड आपको इस फोटो को कर लेना है। सो गाइज, आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। मैं गाइज आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, ये भी फोटो गाइज कुछ इस तरह से बन गया है। सो गाइज, अब आपको फिर से थर्ड फोटो पर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, थर्ड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको
सिंपली करना क्या, गाइस आपको मूव ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड गाइस आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइस आपको फिर से इस फोटो की लेयर को गाइस आपको कुछ इस तरह से इस फोटो को लेफ्ट की साइड लाना है एंड गाइस आपको फिर से कुछ इस तरह से इस क्लियर को आगे तक बढ़ा लेना है गाइस। अब आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइस अब आपको कुछ इस तरह से इसको राइट की साइड कर लेना है। अब राइट की साइड करने के बाद अब आपको फिर से इस लेयर में एंड में आना है गाइज। अब आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइज आपको कुछ इस तरह से इस फोटो को राइट की साइड पूरा एंड तक कर लेना है। जब तक गाइज आपका फोटो ख़त्म ना हो आपको एंड तक कर लेना है। तो गाइज मैंने सभी फोटो को कुछ इस तरह से इसमें इस तरह से गाइज लगा दिया है, ये देख सकते हैं गाइज, ये देख सकते हैं गाइज। सो गाइज अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको फिर से फर्स्ट फोटो पर क्लिक कर देना है एंड गाइज आपको फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिर से आपको इस पर जाना है एंड गाइज अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइज आपको कुछ इस तरह से बीच में कर लेना है कुछ इस तरह से गाइज। बीच में आने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है एंड गाइज आपको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है। तो गाइज आप मैं सेकंड फोटो में भी इस तरह से ही कर लेता हूँ, फिर से आपको इस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइज आपको बीच में आ जाना है। बीच में आने के बाद आपको फिर से कुछ इस तरह से इसको कर लेना है। सो गाइज मैं थर्ड फोटो में भी इस तरह से ही कर लेता हूँ। गाइज आपको बीच में करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है, इससे क्या होगा गाइज बहुत स्मूथनेस आपको फोटो में दिखाई देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज एक बार प्ले करके, ये देख सकते हैं गाइज कितना मस्त आ रहे हैं फोटो, ये देख सकते हैं गाइज। तो गाइज मैंने इसमें ज़्यादा फोटो इसलिए ऐड नहीं किए, फिर गाइज आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए गाइज मैं आपको धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, कुछ मैंने कम ही फोटो इसमें ऐड किए हैं। सो गाइज अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको प्लस पर टैप करना है एंड गाइज आपको इसमें एक वीडियो ऐड कर लेना है। मैंने उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो का डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज मैं उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, अभी एक मिनट रुकिएगा आप। बे मिल जा भाई, कहाँ है तू, ये देख सकते हैं गाइज ये वीडियो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सो गाइज आपको सिंपली करना क्या होगा, अब आपको फिर से आपको थ्री डॉट पर जाना है एंड गाइज आपको इसको भी फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, सिंपली ब्लेंडिंग पर जाना है एंड गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइटन का। सो गाइज आपको सिंपली लाइटन पर क्लिक कर लेना है एंड गाइज यहाँ पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे तो गाइज ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप जो गाइज हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज आपको कुछ इस तरह से कट कर लेना है, सिंपली आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है एंड गाइज आपको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। तो गाइज जो हमारा स्टेटस है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं गाइज हमारा स्टेटस कितना मस्त लग रहा है, ये देख सकते हैं गाइज। सो गाइज अब आपको करना क्या होगा, सिंपली अगर आप इसमें सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो गाइज आपको सिंपली प्लस पर टैप करना है एंड गाइज आपको ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आप यहां से कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो गाइज मैं सिंपली यहां पर ये सॉन्ग ऐड कर लिया है। तो गाइज जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है, सिंपली आपको लेयर पर टैप करना है एंड गाइज इस तरह से आपको कट कर लेना है। सो गाइज जो हमारा स्टेटस है तरह से बन के रेडी हो चुका है। सो गाइज मैं आपको फिर से एक बार स्टेटस प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइज कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज होप ही आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।